वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैनाल पटवारी टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन 2023। कैनाल पटवारी का टेस्ट तकरीबन 11 सब्जेक्ट्स कह लो या टॉपिक्स से बनता है। हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियो, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पास्ट पेपर क्वेश्चन के साथ डेली बेसिस पर अपलोड की जा रही है। तकरीबन 35 से 40 दिनों में आपकी तैयारी 100% के करीब हो सकती है इसी चैनल फॉर जॉब से। हर सब्जेक्ट्स की साथ साथ प्लेलिस्ट भी बनती जाएगी। अगर कोई वीडियो मिस भी हो जाए या रह जाए तो बाद में इसी चैनल फॉर जॉब्स की प्लेलिस्ट में जाकर इजीली सुनी देखी जा सकती है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केव हरा इन इज इन द डैश माउंटेन। तो केव हरा किस माउंटेन में वाकई है? तो उस माउंटेन का नाम है एन नूर। केव हरा इज इन द एन नूर माउंटेन। तो जो गारे हरा है दोस्तों, गारे हरा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले यानी फर्स्ट वही गारे हरा में ही नाजल हुई थी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये गारे हरा किस माउंटेन में वाक़ है? नूर माउंटेन में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ वाज द डॉटर ऑफ उमर फ़ारूक। यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माईल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था? तो ये दोस्तों आपस में ब्रदर्स थे, यानी आपस में भाई थे इस्माईल अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश ईयर। दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में सिर्फ 10 साल रहे और मक्का में 53 साल रहे, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हदाबिया ट्रिटी वाज सब्सक्राइब बाय डैश। तो इसका राइट आंसर है हज़रत अली अल मुर्तज़ा, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल हदाबिया ट्रिटी वाज सब्सक्राइब बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजल हाउ डिलीवड मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राम अल्लाह पाक, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो मैसेज हज़रत मोहम्मद सल्लम को कौन सा फरिश्ता मैसेज पहुंचाता था, पैगाम पहुंचाता था? तो उनका नाम है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कातबे वही भी कहते हैं, यानी वही मतलब एक लेकर आते थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज मर्टराइड इन हिजरी। तो दोस्तों जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह की शहादत हुई थी वो 40 हिजरी को हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है, 40 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, यानी मतलब है कि नबियों की जो सरजमीन कहा जाता है तो वो किस मुल्क को कहा जाता है? तो वो मुल्क है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, यानी नबियों की सरजमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह सित्ता आर डैश बुक्स ऑफ हदीस। दोस्तों जो इसमें दो सवाल कवर होते हैं, एक तो जो सिया सित्ता है ये हदीस की बुक्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, और दूसरा ये सिक्स हैं, यानी 6 किताबें हैं सिया सित्ता में, ओनली 6 बुक्स हैं हदीस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद प्रेयर इज। तो दोस्तों जो ईद है, चाहे ईद अल फितर हो चाहे ईद अल अज़हा हो, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वाजिब हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये ईद प्रेयर यानी ईद नमाज वाजिब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ हदीस अल मोता वाज कंप्लाइड बाय, यानी जो हदीस की बुक है अल मोता, ये किसने लिखी? तो दोस्तों ये इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखी, इमाम मालिक ने अल मोता किताब को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन, यानी हज के दौरान जो ब्लैक स्टोन को हम टच करते हैं तो उस वो क्या कहलाता है? तो वो इस्तलाम कहलाता है, इस्तलाम। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड इस्तलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह मतलब कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ये किस सूरत में आया है? तो दोस्तों ये सूरत अल फतह में आया है, ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरह अल फतह, सूरत अल फतह में ये आया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह सेज़ वाइव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरा। यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लम की बीवियाँ हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया जो हज़रत मोहम्मद सल्लम की बीवियाँ हैं वो मोमनों की माएँ हैं, वो किस सूरत में फरमाया है? तो दोस्तों वो सूरत अल अहज़ाब में फरमाया, ये आप लोगों ने याद करना है, सूरत अल अहज़ाब में फरमाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ बीन मेंशनड डैश टाइम इन होली कुरान, यानी कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी बार आया था। दोस्तों 4 मरतबा आया है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, 4 मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरह ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, यानी किस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है। दोस्तों सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरह स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, यानी किस सूरत में एक दफ़ा भी बिस्मिल्लाह नहीं है। दोस्तों उस सूरत का नाम है अल तौबा। अल तौबा में दोस्तों सूरह अल तौबा में 1 मरतबा भी बिस्मिल्लाह नहीं आती और सूरह अल नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरह कंटेन्स द ऑर्डर्स अबाउट वुजू गुसल एंड तयम्मुम, यानी किस सूरत में मतलब एक हुक्म आया है वुजू का, गुसल का और तयम्मुम का। तो दोस्तों ये सूरह अल माईदा में आया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो वुजू गुसल और तयम्मुम ये किस सूरत में इन तीनों का जिक्र आया है। तो सूरह अल माईदा में आया है, सूरह अल माईदा में वुजू का जिक्र आया है, सूरह अल माईदा में गुसल का जिक्र आया है और सूरह अल माईदा में तयम्मुम का जिक्र आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस गजवा इज़ मैंशन इन सूरह अल इमरान, यानी सूरह अल इमरान में एक मशहूर गजवा है उसका नाम आया, तो वो कौन सा गजवा है। दोस्तों गजवा बदर, गजवा बदर का नाम मतलब एक सूरह अल इमरान में आया है। तो दोस्तों ये जो गजवा बदर है ये 2 हिजरी में लड़ी गई थी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 2 हिजरी में गजवा बदर लड़ी गई थी जिसमें मुसलमानों के जो मुसलमान थे वो 313 थे और कफार थे 1000 से प्लस, तो मुसलमानों को फतह हुई थी गजवा बदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सूरह कैफ विच एनिमल इज मैंशन अलॉन्ग विद द अहजाब दूसरा असहाब कैफ। इस सवाल को आप लोगों ने समझना है कि इन सूरह कैफ विच एनिमल इज मैंशन अलॉन्ग विद द असहाब कैफ, यानी किस सूरत में असहाब कैफ के साथ जानवर का भी जिक्र आया, तो उस जानवर का क्या नाम है। तो उस जानवर का नाम है डॉग, यानी कुत्ते का नाम आया है असहाब कैफ के वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ यरमूक, बैटल ऑफ यरमूक वाज फाट बिटवीन मुस्लिम एंड रोमन्स, यानी जो बैटल ऑफ यरमूक थी ये मुसलमानों और रोमन्स के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। बैटल ऑफ यरमूक किन के साथ लड़ी गई थी, मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी बैटल ऑफ यरमूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्जिद कबलतैन इज़, यानी जो मस्जिद कबलतैन है ये कहाँ पर वाक़ है, ये मदीना में वाक़ है, मस्जिद कबलतैन इज़ इन मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हज स्टोनंग द डीवल इज कायल, तो इसका राइट आंसर है रमी। इन हज, हज के दौरान स्टोनंग द डीवल इज कॉल्ड रमी, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। इन हज स्टोनंग द डीवल इज कॉल्ड रमी, यानी जो शैतान को मतलब है कि कंकरियां मारने के अमल को क्या कहते हैं, उसको रमी कहते हैं। स्टोनंग द डीवल इज कॉल्ड रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हज ट्रेवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड, यानी जो पहाड़ी सफ़ा सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, तो 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है सही। तो जो पहाड़ी सफ़ा है सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट उमैया खलीफा वाज, यानी जो उमैया खलीफा जो फर्स्ट उमैया खलीफा थे उनका क्या नाम है, उनका नाम है हज़रत उमर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। द फर्स्ट उमैयद खलीफा वाज हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बैटल ऑफ अहद प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्टेड डैश स्किलफुल आर्चर्स टू स्टे ऑन माउंटेन साइड, तो दोस्तों 50, यानी जो 50 मतलब है कि जो तीरंदाजों को हज़रत वसल्लम ने गज़वा अहद में खड़ा किया था, लेकिन वो मतलब है कि किसी वजह से मतलब है कि आगे पीछे हो गए थे तो काफरों ने हमला कर दिया था, तो इस तरह का वाक़ शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा। तो वो 30 मतलब के थे, 30 जो मतलब तीरंदाज थे, दूसरा सॉरी 30 नहीं 50 थे। इन द बैटल ऑफ अहद प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्टेड 50 स्किलफुल आर्चर्स टू स्टे ऑन ए माउंटेन साइड, 50 बिल्कुल कन्फर्म इसका जवाब है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफ्ट मूसा अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफ्ट हारून अलैहिस्सलाम, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था। तो इनका भी ब्रदर्स का रिश्ता था, यानी आपस में भाई थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतुल मामूर इज़ इन डैश, दोस्तों ये 7th, बैतुल मामूर इज़ ऑन 7th हेवन, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बैतुल मामूर इज़ एन 7th हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्को ऑफ डैश वाज
डिमोलिश्ड बाय प्राफ्ट। दोस्तों किस मस्जिद को हजूर पाक ने गिराया था? तो दोस्तों मस्जिद जरार को हजूर पाक ने ख़त्म किया था, यानी गिरा दिया था। मस्जिद जरार, मस्को ऑफ जरार वाज डिमोलिश्ड बाय प्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत डैश कंक्वर्ड द फोर्ट ऑफ कासम कमस। तो दोस्तों ये हज़रत अली, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कंक्वर्ड द फोर्ट ऑफ कमस, यानी जो फोर्ट यानी किला था कमस का, उसको मतलब एक फतह किसने किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफ्ट रिसाइटेड डैश एट द कॉन्क्विस्ट ऑफ मक्का। दोस्तों ये सूरह अल फतह, यानी प्रॉफ्ट रिसाइटेड सूरह अल फतह एट द कॉन्क्विस्ट ऑफ मक्का, यानी मक्का फतह के दौरान, फतह मक्का के दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल फतह की तिलावत कर रहे थे। फतह मक्का के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल फतह की तिलावत कर रहे थे। दोस्तों जो मक्का फतह हुआ था दोस्तों, ये 8 हिजरी को फतह मक्का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड ऑफ खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा डैश कैरिड मैसेज ऑफ निकाह। तो दोस्तों उसका नाम है नफीसा। फ्रेंड ऑफ खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नफीसा कैरियड मैसेज ऑफ निकाह। दोस्तों यानी जो मतलब कि किसके हाथ पैगाम भेजा था हज़रत खतीजा अलैहि सलाम ने, उसकी फ्रेंड का क्या नाम है? उसका नाम है नफीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल मुतलब डाइड एंड, यानी जो अब्दुल मुतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, उनकी वफ़ात कब हुई? दोस्तों उनकी वफ़ात हुई थी 578 में। अब्दुल मुतलब डाइड इन 578, यानी 578 AD, यानी ईस्वी 578 ईस्वी को वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन डैश नबवी। तो दोस्तों 7th नबवी, यानी जो सोशल बायकॉट हुआ था बनु हाशिम का, तो दोस्तों वो किस नबवी को? 7th नबवी को हुआ था बायकॉट। ये आप लोगों को याद रखना है, सोशल बायकॉट बनु हाशिम का कब हुआ था? तो ये 7th नबवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बायकॉट कंटिन्यूड फॉर, यानी जो सोशल बायकॉट था वो कितने साल रहा? तो दोस्तों वो 3 साल, यानी सोशल बायकॉट 3 साल रहा। ये आप लोगों ने याद रखना है, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज, यानी जो अबू जहल का असल नाम क्या था? उनका असल नाम था उमर, OMAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन, यानी जो मंथ ऑफ माइग्रेशन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रबीउल अव्वल वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन। मतलब है कि जो माइग्रेशन हुई थी किस मंथ को? रबीउल अव्वल के, मतलब है कि मंथ को, रबीउल अव्वल के महीने को, रबीउल अव्वल वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन, रबीउल अव्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफ्ट एड्रेस्ड खुतबात जुमा फॉर फर्स्ट टाइम इन डैश हिजरी, यानी जो मतलब है कि जुमा का खुतबा फर्स्ट टाइम किस हिजरी को दिया गया था? दोस्तों वो 1st हिजरी को दिया गया था, 1st हिजरी को दिया गया था। प्रॉफ्ट एड्रेस्ड खुतबा जुमा फॉर फर्स्ट टाइम इन 1st हिजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर ऑफ डिपटेशन इज डैश हिजरा। दोस्तों ये 9th ईयर ऑफ डिपटेशन इज 9th हिजरा।